YouTube चैनल तो क्रिएट कर लिया, 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम कैसे गेन करे? क्या 1000 जो सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम है वो मेरा 1 ईयर मतलब 365 दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो क्या YouTube मेरा चैनल बंद कर देगा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो एक यूट्यूबर्स के मन में आते हैं। तो गाइस बने रहे इस वीडियो में, ये वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी, कैसे आप ऑर्गेनिकली तरीके से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम पा सकते हैं और मोनेटाइजेशन के लिए, फिर तो क्या यार आपका चैनल जो मोनेटाइजेशन में चला जाएगा। लेकिन गाइस फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप कोई सोचते हो कि मैं शॉर्टकट तरीका बताऊंगा तो नहीं, जो बताऊंगा जेन्युइन और आपके लिए इफेक्टिव होगा और 100% काम करेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे लाल का बटन दिया है दबा के सब्सक्राइब हो सकते हो। एज यू नो मेरा नाम है आनंद, आप देख रहे हैं टेक्निकल बंदा पीरियड टू लर्न। जो सबसे पहला सवाल आता है किसी भी यूट्यूबर के मन में कि क्या जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हमने 365 दिन में कंप्लीट नहीं किए तो क्या हमारा चैनल बंद हो जाएगा या क्या होगा हमारे चैनल साथ? तो मैं आपको बता दूं यार, अगर आप नहीं करते हो 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे का वॉच टाइम आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो कहीं भी आपका चैनल टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपको 365 दिन का और समय दिया जाएगा वापस से। अगर सपोज आपने 600 सब्सक्राइबर कर लेते, 2000 वॉच और कंप्लीट कर लेते तो वो 0-0 कर देगा, चैनल पे 0-0 नहीं होगा, सिर्फ YouTube की काउंटिंग में उसको 0 कर दिया जाएगा, फिर से आपको उसके लिए करना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये नौबत नहीं आने दूंगा, मैं जो ट्रिक शेयर कर रहा हूँ बस उसको यूज करो और फिर बताना मुझे कि आपका जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट हुआ कि नहीं, सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ कि नहीं, दोनों तरीके बताऊंगा। और अगर फिर भी नहीं होंगे, अगर मतलब ऑर्गेनिकली तरीके से भी नहीं हो रहा है तो इनऑर्गेनिक तरीका भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बस कहीं मत जाना। तो सबसे पहली बात जो है वो है लॉन्ग वीडियोस। ज़्यादा वॉच टाइम गेन करने का जो सीक्रेट होता है ना वो होता है लॉन्ग वीडियो। अब लॉन्ग वीडियो के फायदे क्या होते हैं, देखो अगर आप छोटे छोटे वीडियो बनाते हो, 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो बनाते हो, तो अगर आप 10 वीडियो बनाओगे मतलब 3 × 3 मतलब 10 वीडियो बना दी और 3-3 मिनट की, तो अगर कोई बंदा आपके चैनल पे आता है तो उसे बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, ठीक है। 3 × 10 मतलब 30 मिनट का ही वॉच टाइम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हो और सिर्फ 3 बंदे ने आपकी वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपका वॉच टाइम उतने के इक्वल हो जाएगा। और अगर एक भी वीडियो आपके सबसे वायरल हो जाती है तो जो 4000 वॉच टाइम है ना, तो वो यूं कंप्लीट हो जाएंगे, पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और मोनेटाइजेशन के बाद भी इसके फायदे हैं, क्या फायदे मिलेंगे आपको, आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हो। जैसे कि आप लोग पता है यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि अगर आप 10 मिनट से ऊपर की वीडियो बनाते हो तो आप मल्टीपल एड्स में प्लेस कर सकते हो, चाहे मिडरोल एड के थ्रू या मैनुअली। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लॉन्ग वीडियो बनाइए ताकि आपका वॉच टाइम जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। अब गाइस सब्सक्राइबर की बात कर लेते हैं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे। शुरू में जो लोग भी चैनल बनाते हैं ना वो बहुत शर्माते हैं दूसरों से बोलने में, अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर से बोलने में कि यार मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं आपको कह रहा हूँ यार, शुरू में आपसे लोगों से आपको मांगना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अपने बारे में। देखो यार, अगर आपने कोई दुकान खोली और अगर आप उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तो इनिशियल स्टेज में अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स जितने लोग भी मिले ना यार, बस पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब कराओ, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद खुद यूट्यूब आपको बूस्ट करता है और आपके सब्सक्राइबर गेन होंगे। और आपको ना और लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि यार बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो ये एक अच्छा तरीका है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तीसरी जो गलती है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं कि अपनी वीडियो के लिंक को शेयर नहीं करते हैं। देखो गाइस मैं बता देता हूं, आपको अपनी वीडियो के लिंक को दबा के शेयर करना पड़ेगा, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे कोई और भी प्लेटफॉर्म हो। होगा क्या यार, अगर उसमें से अगर 10 बंदे भी आपकी वीडियो देखते हैं पूरा का पूरा ना, तो आपको अच्छा खासा ऑडियंस रिटेंशन गेन होगा। तो शर्माओ मत, स्टार्टिंग में अपने वीडियो को जो है वो दबा के व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हर जगह शेयर करो, लोगों को फेसबुक के जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करो, चाहो तो अपना पोस्ट डाल सकते हो अपने वीडियो का लिंक का। लेकिन हाँ गाइस, स्टार्टिंग में शेयर करना ही पड़ेगा आपको। अब चौथी चीज है, आप कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे काम बिल्कुल भी मत करो। देखो अब एक प्लेटफॉर्म का मतलब क्या कि सिर्फ यूट्यूब पे काम मत करो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करो, जैसे कि हेलो हो गया, वी मैट हो गया, खबरी ऐप हो गया। होगा क्या, ये सारे प्लेटफॉर्म सेम है, आप यूट्यूब की वीडियो जो है आप अपने हेलो ऐप पे भी ट्रांसफर कर सकते हो, जो यूट्यूब की वीडियो है ना वो आप हेलो पे अपलोड कर सकते हो और बोल सकते हो कि हाँ आप मुझे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस इसलिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वर्क करो। और हाँ एक बात और, आपका भाई भी हेलो पे है, मोर देन 40K से ऊपर फॉलोअर्स है, तो अगर आपने अभी हेलो नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके वहां से ज्वाइन कर लेना, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अब गाइस जो अगली चीज ध्यान में रखनी है वो है ऑडियंस रिटेंशन। अब क्या होता है शॉर्ट में बता देता हूं,
जब भी आपकी वीडियो कोई भी 50% से ज़्यादा देखता है तो YouTube उस वीडियो को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। क्यों करता है? YouTube को लगता है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है। तो देखो, एक काम कर सकते हो, अगर इनिशियल स्टेज में आप किसी को वीडियो अपने शेयर करते हो तो वो आपकी एक दो वीडियो देखेगा, सारी वीडियो नहीं देखेगा और आपका ऑडियंस रिटेंशन बेकार कर देगा। आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे भी वीडियो अपलोड करो, ठीक है, तुरंत वीडियो अपलोड करते समय आपके घर में कंप्यूटर्स होंगे, आपके घर में फ़ोन, अब देखो हर घर में मुझे जहाँ तक लगता है कि मल्टीपल स्मार्टफोन्स होते हैं, एटलीस्ट 2-3 स्मार्टफोन तो होते ही होते हैं। उन सारे स्मार्टफोन्स को आपको ले लेना है और अपनी वीडियो को एक एक बार फुल कंप्लीट देख लेना है। उससे क्या होगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन जो 100% हो जाएगा। तो अगर कोई बंदा 50% 40% 30% वीडियो देख के आपको वीडियो छोड़ के चला जाता है तो जो एवरेज ऑडियंस रिटेंशन होता है वो आपका मैनेज हो जाएगा। तो इसमें शरमाइए नहीं, एक काम कर सकते हैं, जितने भी पापा मम्मी जिसका भी फ्रेंड है ना, वो आप उनसे उनका फोन ले सकते हो और वीडियो को पूरा देख सकते हो, या 2-4 फ्रेंड्स ऐसे बना लो जिनको आपको कहना पड़ेगा कि गाइस देखो जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं ना, पूरी वीडियो मेरी देख लो। तो उससे क्या होगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा हो जाएगा। आई होप इतने तो आपने फ्रेंड्स बनाए होंगे इतने साल में कि 2-4 फ्रेंड जो आपकी पूरी वीडियो को देख सके। तो ये भी एक अच्छा और ऑर्गेनिक तरीका है जिससे अपना ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा के आप अपने चैनल पे व्यूज और वॉच टाइम बढ़ा सकते। अगली जो टॉपिक है वो है कोलैब। हाँ गाइस, कोलैब सबसे अच्छा तरीका माना जाता है आपको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर और वॉच टाइम गेन करने का। अब बता दो होता क्या, बहुत सारे जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो बड़े यूट्यूबर्स के पास जाते हैं या थोड़े फेमस यूट्यूबर्स के पास जाते हैं और उनसे बस रिक्वेस्ट करते हैं, भाई मेरी वीडियो कम्युनिटी टैब में डाल दो, शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं गाइस, आपको ये नहीं करना है, आपको उनसे कहना है कि मैं आपके साथ कोलैब करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो कोलैब करने के मैं फायदे आपको गिनवाता हूँ। अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब कर लेते हो या किसी के साथ भी कोलैब करते हो तो फायदे क्या होंगे, आप सिंपली कोलैब में उसका इंटरव्यू ले सकते हो या इस टाइप का कुछ भी कंटेंट डेवलप्ड कर सकते हो। होगा क्या, जैसे ही आप वीडियो अपलोड करोगे, सपोज मेरे साथ आपने कोलैब कर लिया, अब मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और मुझे अपना फेम दिखाना कि यार देखो यार उस बंदे की वीडियो जाके देखो उसमें मैंने किया है। तो आप तो जोर लगा ही रहे हो, आपके ऑडियंस को देख रहा हूं, मैं भी तो अपने ऑडियंस से बोलूंगा कि नहीं यार देखो उसने बहुत अच्छा मेरे साथ कोलैब किया है तो जाके वो वीडियो देख लो। तो ये भी एक ऑर्गेनिकली तरीका होता है कोलैब करके आप अपना जो वॉच टाइम और सब्सक्राइबर है ना उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो इसलिए फोकस करो कोलैब करने के लिए। अब अगली जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाने में क्या होता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मैं ये नहीं कहता कि भाई ये 10% काम करता है 20%, लेकिन 90% केसेस में ये होता है ना कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो है वो जो फेमस यूट्यूबर्स होते हैं उनका वायरल ज़्यादा होता है। अब क्यों उनका वायरल होता है, भाई उनके पास ऑडियंस ज़्यादा हैं, उनका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होता है। तो अगर वो किसी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं तो उनकी वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, ज़्यादा वॉच टाइम आता है। क्यों आता है, भाई उनका ऑडियंस ज़्यादा है, ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है। अगर वही वीडियो आप बनाओगे उसी टॉपिक पे तो फिर क्या होगा, आपको 10-15 व्यू मैक्सिमम 100 व्यूज़ मिलेंगे, उससे ऊपर व्यूज़ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके पास तो उतनी ऑडियंस ही नहीं है और कम टाइम और कम व्यूज में YouTube उसको पुश नहीं करता है। इसीलिए हमेशा जो बेसिक्स टॉपिक्स होते हैं और लोग जो प्रॉब्लम्स है ना उस पर आपको वीडियो बनानी चाहिए। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, चाहो तो डिसाइड कर सकते हो, देख सकते हो वीडियो को, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कंटेंट, अब कैसे कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए जिससे आप जल्दी यूट्यूब पे ग्रो कर सको। अब एक लास्ट चीज, अब जो लास्ट आपने सब करके देख लिया, अब आपके एक महीने बाकी हैं और अब आपको लग रहा है कि बस अब उम्मीद खत्म हो चुकी है, सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिए, वॉच टाइम नहीं कंप्लीट हो रहा है, या दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो गाइस मैं बता देता हूँ, देखो मेहनत सभी करते हैं और जब मेहनत वेस्ट होती है ना तो फिर बहुत बुरा लगता है। और एक बात बहुत अच्छी किसी ने किया है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, तो मतलब अगर आपको सक्सेस होना है, वॉर जीतना है, तो किसी तरीके से आपको कुछ भी बाय हुक बाय क्रूक आपको 1000 सब्सक्राइबर 4000 वॉच टाइम चाहिए। अब क्या करें, आप बहुत सारे वेबसाइट है, जेनरिक वेबसाइट है जैसे गूगल एडसेंस हो गया और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप व्यूज़ ऑर्गेनिकली तरीके से व्यूज़ परचेस कर सकते हो, वॉच टाइम परचेस कर सकते हो। देखो अब आप कहोगे कि अगर आपने 3-4 मिनट की वीडियो जो होती है अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे लगाओगे तो आपका नुकसान क्या होगा, वो सारे ना जो 50% ऑडियंस रिटेंशन देते हैं। एक काम करो, एक लाइव सेशन करो, एक दो लाइव सेशन करो, एक एक घंटे का लाइव सेशन करो। देखो कॉस्ट तो आपको उतनी ही लगनी है, एक घंटे का लाइव सेशन करते हो और उनकी मदद लेते हो, वेबसाइट्स की मदद लेते हो, तो आपको 50% ऑडियंस रिटेंशन देंगे। मतलब 30 मिनट आपको मिलेगा, एक एवरेज मान लेते हैं 30 मिनट आपको मिलेगा और 1000 लोगों ने देखा तो 30 × 1000 करो, कितना ज़्यादा आपके जो वॉच टाइम है वो बढ़ जाएगा। कंपेयर टू अगर आप 3 मिनट की वीडियो लगाते हो तो 1.5 मिनट आपको वॉच टाइम मिलेगा, 1.5 × 1000 करो
कम मिलेगा। तो इसीलिए लाइव आ जाओ, लाइव आने के बाद क्या करना है गाइस, उसको आप किसी भी वेबसाइट की मदद से प्रमोट करा सकते हो। A few moments later. तो गाइज ये था पूरा मेरा समराइजेशन, काफी मेहनत करके टॉपिक्स कलेक्ट कर करके तीन दिन से इस टॉपिक पे काम करके मैं आप लोगों के लिए एकदम जेनरिक मेथड लेके आया हूँ। तो ट्राई करो गाइज, कोई प्रॉब्लम होना आप मुझे इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो और एक फोन नंबर आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन पे मैं कहीं फ्लैश करा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप करना, फालतू में परेशान मत करना। तो गाइज कैसी लगी वीडियो लाइक करके बता देना, आपके चैनल में कितने सब्सक्राइबर वॉच टाइम या कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। यूट्यूबर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, उनका थोड़ा भला होगा आपको।